सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई, अभी का सीन कुछ ऐसा है ना, जो पंचर था अपने बाइक में, तो अभी जो है वो ठीक करवाने जाना है। तो उसके लिए जो है टायर खोलना पड़ेगा, क्योंकि कल परसों जो है वो चेक करवाया था तो 3 पंचर लगे उसमें और 5 जो है पहले के पंचर लगे हुए थे, तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, वर्कशॉप पे, तो उन्होंने बोला था टायर खोल के अंदर से जो है टिक्की लगानी पड़ेगी, फिर जो है पक्का जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि पंचर जो था थोड़ा बड़ा था। तो अभी देखते हैं ज़रा क्या सीन रहता है उधर का। और इस बार जो है खर्चा बहुत हो रहा है भाई, एक तो रमज़ान का महीना चल रहा है और ईद आने वाली है, कपड़े वगैरह लेने पड़ेंगे। मैं सोच रहा था कुछ फैमिली वालों के लिए भी ले लेता हूँ, और एक तो टायर का हो रहा है, बाकी मिरर लगाने थे, और एक प्लान हो रही है जो है राइड लॉन्ग काजा के लिए, तो उसके लिए भी सेविंग नहीं हो पा रही क्योंकि खर्चा होगा उधर जाने के लिए। तो अभी देखते हैं ज़रा क्या सीन रहने वाला है। अभी मिलता हूँ आप लोगों को बाइक पे भाई। मैं निकल पड़ा हूँ और अभी मैं इस टाइम हूँ बाईपास में। मेरे साथ जो है अपना कंपनी का ही बंदा था, जिसने रूम में शिफ्ट किया है शाम को, तो बोले मुझे सब्ज़ी लेनी है, तो मैं भी चलता हूँ मार्केट तक। मैं कहा चल भाई, हेलमेट मैं सिंगल लेके आया था, तो मैंने जो है उसे बॉन में उतार दिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस लाइन साइड। बाकी ये ना बोले कि आप लेट हो गए, क्योंकि टाइम लगेगा ना इसमें। तो फिर जो है हवा चेक करवाऊंगा एक तो, और बाकी जो है मैंने एक जो थ्रेड निकाले थे ना मडगार्ड में, रियर वाले मडगार्ड में, तो वो वाले सेट करवाऊंगा। फिर सेट तो क्या मतलब, थ्रेड निकाल रखी है तो 12 का उधर जो है बाहर लगेगा एक, तो वो देखता हूँ फिर। अभी जो है अपने हजार जो है बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इधर जो है पुलिस वाले होते हैं, चलाना चेपते। और पीछे वाली ब्रेक जो है भाई इतनी आवाज़ कर रही है ना, पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से आवाज़ आई, जैसे मार रहा हूँ ना वहाँ की आवाज़ आ रही है। अब वो भी चेक करवाता हूँ। मैं सारे बंदे कहाँ जा रहे भाई, ये डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ इधर, और तो मैं कहा चेक की हवा तो कम है, फिर जो है टायर खोलना पड़ेगा। बोले क्या करें, मैं कहा भाई खोल दो, फिर बार बार मैं कहाँ आता रहूँगा इधर। तो अभी जो है टायर खोलना है भैया ने, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी जो है टाइम देखो, 7:14 हो रहे हैं शाम के। तो अभी अपना जो है टायर का ताम झाम जो है खुल गया है, कि अभी जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो आवाज़ देखनी पड़ेगी कहाँ से आ रही है। वो बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही है भाई, वो पता नहीं है वो क्या चीज़ आवाज़ कर रही है इसमें। तो अभी जो है पंचर तो लगवा दिया है, मैं कहा ट्राई मार के आता हूँ और जो है रोड टेस्ट कर लेता हूँ, बाद में दिक्कत ना आए। तो अभी रोड टेस्ट कर रहा हूँ, पेमेंट वगैरह भी करनी है मुझे। अभी जो है काम बन गया है अपना, और पंचर भी टिक गया है। तो अभी थोड़ा जो है अपने तेल वाले जो हाथ लगे ना काले भाई, ये दिक्कत है भाई। अगर थोड़े इसमें कलर करवाया तो इसको साफ़ रखना पड़ता है, नहीं तो क्या फ़ायदा इसमें कलर करवाने का फिर। तो अभी चलते हैं, पेमेंट मैंने कर दी क्योंकि 100 रुपीज़ जो है मैंने पहले इनको पे किए थे, तो अभी इन्होंने उसे अभी 200 लिया। ठीक है सर, थैंक यू। पहले अंकल ने बोला 300, फिर भैया को मैंने बोला, मैं कहा यार ऐसे बोलना कि कुछ जो पीछे वाले मेरे 100 रुपीज़ थे वो भी कवर हो जाए, क्योंकि अपने जो है पंचर जो है सक्सेस नहीं हुए थे, भले ही वो 3 पंचर भैया ने लगाए थे, भैया ने 200 लिए हैं भाई। वैसे अगर बात बताओ ना, 200 इस चीज़ के कुछ भी नहीं थे, क्योंकि टायर खोलना बाइक का ना बहुत मुश्किल है, गाड़ियों का टायर खोलना बड़ा इजी है, और मैनुअली काम है सारा। तो और फिटिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, इसको बैठाना कैलिपर हो गया, और इसमें जो स्पेसर जो है लगे हुए हैं ना भाई, ओहो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं ये चीज़। तो चलो 200 में निपट गया अपना काम जो है। अभी ब्रेक से वो आवाज़ भी नहीं आ रही है मुझे, जो उस टाइम आ रही थी ना भाई, कराच कराची अजीब सी साउंड आ रही थी मुझे एक जो है। तो एक बार जो इसे ब्लीड करवाऊंगा,
और कल एक काम और करता हूँ कि इसमें जो है ना USB जो है पोर्ट लगाना पड़ेगा, वो फिर उस्ताद जी से बोलता हूँ कि वो बोल रहे थे एक जो है इग्निशन में जो स्टार्टर मोटर से जो वायर आती है उसमें लगाना है, और एक जो दे देंगे अपना बॉडी और जो अपना इग्निशन ऑन होने पे वो काम करे, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर हम डायरेक्ट रखेंगे फिर क्या पता कि वो बैटरी को भी ड्रेन कर सकता है, तो इसकी वजह से हम लोग जो उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। कल तो है फिर अपनी बाइक लेके जाऊंगा कंपनी जो है, फिर थोड़ा काम हो जाता। मैं इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि धूप नहीं ज़्यादा तेज हो गई है, और फिर ये जो रैप करवा रखे ना भाई, ये कलर जो है ना भाई येलो में बन रहा है। फिर ठंड की अगर बात करूँ तो ठंड तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, अब तो ठंड नहीं रही है और दिन में इतनी ज़्यादा धूप है, बट ये कि शाम को अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव करनी हो तो ऐसा लगता है कि भाई ठंड से मर जाएंगे उधर तक पहुँचते पहुँचते, और दिन में अगर थोड़ी देर 5-10 मिनट अगर बाहर बैठोगे ना इतनी ज़्यादा धूप लगती है ना भाई, तो लगता है कि जलने लगा है शरीर अब तो। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये है कि भाई आप लोग जो है स्पोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बाकी अपने बंदों को तो क्या ही बोलूं भाई, वो तो नहीं करेंगे, अगर मैं बोल भी दूं उनको तो उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, मत करो। बस ये कि अपना टाइम लाएंगे एक दिन जो मेहनत करके जो है ना भाई, तो उस दिन जो है सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक दिन जो अपनी जो है सपने थोड़े बड़े हैं तो उसको पूरा करने के लिए भाई पूरा दम लगाएंगे। क्या कर रहे हो भैया, कभी इधर कभी उधर, एक साइड चलो ना। 6 महीने जॉब करते हुए हो गए, पर सेविंग जो मैं बताऊँ ना, 6 महीने में से मुझे 4 महीने की सैलरी मिल गई है, पर सेविंग जो है बिल्कुल अंडा है भाई, अभी अंडा। सोच रहा हूँ यहाँ पे जो है ना थोड़े सिनेमैटिक्स ले लिए जाएं, और ये इधर और सामने देखो जरा सोलन का कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना भाई। न्यूट्रल नहीं हो जा यार, हो जा, क्यों परेशान कर रही है। तो थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ आप लोगों को। हो ये देखो जरा कितनी प्यारी लग रही है ना यार अपनी जाने मन जो है। अभी जो है मैं मार्केट से आ गया हूँ इधर, पंचर वगैरह सारा कुछ लगवा के, और मैं खड़ा हूँ इधर सत्संग वाला जो रोड गया ना भाई नीचे, अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाला जो इधर दिखाई दे रहा है ना आपको लाइट है इधर, ये नीचे ये इधर अपना जो सत्संग का है ना, जो है सत्संग व्यास का, और सामने सोलन का व्यू जो है ना पूरा, ये जो सोलन है भाई वो रहा अपना कोटा लाला उधर, और ये डी सी ऑफिस, ओल्ड डी सी ऑफिस, और इधर है ये बाईपास। तो व्लॉग को जो है इधर ही एंड कर देता हूँ, बाकी थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स लूँगा वो डाल दूँगा वीडियो के अंदर। तो भाई आप लोग जो है सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कैसा लग रहा है आपको वीडियो। बाकी सपोर्ट आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी एक से एक, तो आप लोग जो है तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।